गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटेस्टेंट और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट द एंड्रॉड पेंटेस्टिंग सो एंड्रॉड पेंटेस्टिंग में हमने पिछले बहुत सारे वीडियोस देखे हमने एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू मोबाइल फोन सेटअप किया सो so, आज के इस वीडियो का मेन मोटिव है कि आप बब सूट को कैसे कनेक्ट कर सकते हो आपके एम्यूलेटर से सो so, चेक करते हैं कि सर्टिफिकेट वगैरह कैसे इंस्टॉल करना होता है फ़ोन से बब सूट कैसे कनेक्ट होगा और आप उसे इंटरसेप्ट कैसे कर सकते हैं सो लेट्सार्स फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं एंड्रॉयड स्टूडियो मेरा स्टार्ट कर लेता हूँ एंड सो बेसिकली अगर आपको फिजिकल फ़ोन के साथ सेटअप करना होता है सो यू कैन यूज़ विद द हेल्प ऑफ लाइक प्रोक्सी आप वाईफाई से जब कनेक्ट करते हैं सो so आपका लैपटॉप और आपका फोन दोनों सेम नेटवर्क के अंदर होने चाहिए तो जब भी उसको जो आई पी अलॉट होती है सो so बब सीट के अंदर जो भी आई पी कॉन्फिगर होती है वो आई आप अपने फोन के अंदर लगा देते हैं और फोन के अंदर लगाने के बाद बेसिकली जब भी आप इंटरसेप्शन ऑन करते हैं तो आपका इंटरसेप्शन ऑन हो जाता है बट होता क्या है यहाँ पे जब भी एस टी रिक्वेस्ट आती है तो उसको इंटरसेप्ट नहीं करता क्योंकि इसके लिए आपको सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना होता है आपके फोन में सो सर्टिफिकेट इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं सो विध दी एडीबी और विद अगर ड्रैगन ड्रॉप के पास अगर आपके एमुलेटर पे ये फैसिलिटीज है सो यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप दैट सर्टिफिकेट सो एक बार इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं हमारा फोन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है सो बेसिकली दिस इज माई फोन सो यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो चुका है फोन सिंपली एंड बाप सूट ओपन कर लेते हैं हम लोग सो so, uh, सूट के अंदर आप प्रोक्सी सेटिंग्स के अंदर आते हैं सो so, प्रोक्सी सेटिंग्स में यू कैन सेम प्रोक्सी लिसनर यहाँ पे आपकी एक लूपेक आई पी एंड पोर्ट नंबर एट जीरो एट जीरो सो इस केस के अंदर तो ओके okay है अगर आप सेम अगर एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ में ले रहे हैं फ़ोन में सो so आप यहाँ पे भी सेम आई पी और सेम पोर्ट यूज़ में ले सकते हैं ताकि जब भी कनेक्शन जाए तो वन टू सेवन डॉट जीरो डोट जीरो डॉट वन और एट जीरो एट जीरो पर चला जाएगा बट इफ़ यू आर यूजिंग द फिजिकल फोन सो फिज़िकल फ़ोन में यू कैन एड द लिसनर एंड लिस्नर में ऐड करने के बाद स्पेसिफिक एड्रेस और स्पेसिफिक एड्रेस के बाद में जब भी आपका फोन सेम नेटवर्क पे होगा तो यहाँ पे आ, आपका आईपी एड्रेस यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है सो फॉर एग्जांपल अभी जो मेरा आईपी एड्रेस है विच इज वन नाइनटी टू वन सिक्स एट डॉट वन डॉट सेवन और अगर मैं मेरे ही नेटवर्क से कनेक्ट करता हूँ सो ऑब्वियसली वो सेम नेटवर्क के अंदर होगा इट्स मीन वन डॉट समथिंग जो भी डीएचसी uh, पी उसको आई देता है सो फॉर एग्जाम्पल वन मेरे फोन को मिला हुआ है सो so, मैं यहाँ पे वन वाली आई पी सेलेक्ट कर लेता हूँ वन सेवन एंड देन यहाँ पे आप पोर्ट नंबर लिख सकते हैं लेट से एट सेवन एट सेवन जब भी आप इसको ओके okay कर देंगे सो so, आपको आपके फ़ोन के सिर्फ वाई फाई settings के सेटिंग्स के अंदर जाना है और जहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आता है आपके वाई फाई सेटिंग्स को एडिट uh, करने के लिए सो यू कैन यूज़ लाइक एडवांस ऑप्शन एंड यहाँ पे आपको प्रोक्सी uh, के अंदर मैनुअली चूज़ करना होता है एंड देन योर IP address एड्रेस mean मीन योर कंप्यूटर सिस्टम सो मेरे कंप्यूटर सिस्टम का आई पी एड्रेस अभी 168.1.7 है सो so, यहाँ पे आपको टाइप करना है पोर्ट नंबर 8787 सेवन एट सेवन सो ये आप का वर्क करेगा आपके फिजिकल फोन के अंदर अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो ही यूज में ले रहे हैं सो so, इतना ज्यादा आपको करने की नीड नहीं है जस्ट सेलेक्ट ऑन लूबेक आई या फिर जैसा है ऑप्शन uh, आप वैसा ही ऑप्शन रख सकते हैं लाइक वन टू सेवन डॉट जीरो डॉट वन एंड एट जीरो जीरो नाउ uh, यहाँ पे आपको थ्री डॉट्स uh, पे जाना है मीन आपके फोन के सेटिंग्स पे. फोन के सेटिंग्स location, display, so, option, proxy. Proxy के सेटिंग्स सेटिंग्स पे में मल्टीपल ऑप्शन है आप सेलेक्ट कर लेते हैं so, यहाँ पे आपके प्रोक्सी स्टेटस आ जाता है सक्सेस दैट्स मीन आप जब भी, भी आप यहाँ पे कुछ यूज में लेंगे सो so मैं अभी यहाँ पे इंटरसेप्शन ऑन कर देता हूँ एंड ब्राउजर ओपन करते हैं एंड लेट्स चेक यहाँ पे इंटरसेप्शन ऑन हुआ है नहीं हुआ सो योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे एस टी टी पी एस वाली वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं सो सो लेट्स ट्राई विद एस टी टी पी वेबसाइट कि उसका इंटरसेप्ट होता है डेटा सो पी एम ए वाई एम आई एस डॉट सो यस जब भी मैं एस वेबसाइट पे जा रहा हूँ सो so यहाँ पे आपका इंटरसेप्शन ऑन हो जाता है बट यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट डालना होगा फॉर एस एस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए ना uh, इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ एंड सर्टिफिकेट डालने के लिए यू हैव टू लाइक रीजनरेट So, के लिए मैं यहाँ पे प्रोक्सी सेटिंग्स के अंदर आता हूँ एंड प्रोक्सी सेटिंग्स के अंदर आपको इस के नीचे ही दिख जाएगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सी सर्टिफिकेट सो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे जाके सो सर्टिफिकेट इन डी आई आर फॉर्मेट नेक्स्ट एंड यहाँ पे आपको इसकी लोकेशन देनी है सो स्वीप सर्टिफिकेट डॉट डी आर सेव Next, close. So, यहाँ पे आ, मेरे पास बबसूर का सर्टिफिकेट है डॉट डी ई आर फॉर्मेट के अंदर बट जब भी आप इसको फोन के अंदर ट्रांसफर करेंगे सो डीईर फॉर्मेट आपके सपोर्ट नहीं करेगा सो so, इसको आपको रीनेम करना है एंड रीनेम करना है डॉट सीई आर सिस सो सीईआर यस yes. so, सो आप सी ए आर अब इम्पोर्ट करेंगे आपके फोन के अंदर नाउ यहाँ पे आप एडीबी के थ्रू भी आप इसको पुश कर सकते हैं बट अभी भी एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन अवेलेबल है सो so, मैं यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और फाइल मैनेजर में जाते हैं एंड फाइल मैनेजर में जाने के बाद में देन डाउनलोड्स एंड बब सर्टिफिकेट So just tap on this और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट का नाम लिखना है लेटे okay, so पास सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो गया है एंड सर्टिफिकेट इंस्टॉल के बाद फिर से अपना बब सूट ओपन कर लेते हैं एंड नाउ लेट स्टार्ट की हमारे पास अभी youtube so m dot youtube https dot m dot youtube now you can intercept that uh, https content as well so this is the uh, like simple video ki aap absurd se kaise connect kar sakte hain aapke android emulators ko now next kyunki ye uh, isliye important tha uh, ये वीडियो क्योंकि जब भी हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे तो वहाँ पे SSL एस एल पिनिंग के इशू आएंगे आपके पास so, यहाँ तक आपका जब कनेक्ट हो जाता है देन आपको पता है कि हाँ सूट का सर्टिफिकेट भी आपके परफेक्टली इंस्टॉल्ड है देन सिंपली आपको सिर्फ अब एस एस एल पिनिंग को बाईपास करना होता है जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो भी बिना रूटेड फोन के अंदर सो so, बिना रूट के आप कैसे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डी करके थोड़े से चेंजेस करके आप एस एस एल पिनिंग को बाईपास कर सकते हैं सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए टाटा बाय बाय